नमस्कार, खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं अजीबोगरीब खबर, जिसमें पुलिस ने भेस को गिरफ्तार किया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसा संवाद आपने कई फिल्मों में सुना होगा, लेकिन कभी कभी नियम कानूनों को इस तरह इस्तेमाल होता है कि उनका उपयोग बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और जब सवाल आया कि भेस बड़ी है पुलिस, तो इसमें भेस के सामने कानून को महत्व दिया जाना लगभग तय था। आपके जहन में एक और सवाल उठ सकता है कि आखिर भेस ने ऐसा क्या किया कि उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया? पुलिस ने आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया? भेस का गुनाह तो इस संबंध में बताया कि भेस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी जिला है, जिसमें इस तरह की वारदात हुई, जिसके तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में यूपी पुलिस ने एक भेस को आरोपी बनाया है। मामला कोतवाली इलाके का है और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इस भेस पर संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल पालिया के बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज में यह भैंस बाउंड्री वॉल फान कर घुस गई। बाउंड्री के अंदर वन विभाग ने पिछले साल वृक्षारोपण किया था, सरकारी पेड़ लगे थे। भैंस पर उन सरकारी पेड़ों को चबा जाने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आवारा जानवर बड़ी मेहनत से उगाए गए पेड़ों को चंद मिनटों में चट कर जाते हैं। भैंस कॉलेज प्रांगण में घुसकर नुकसान पहुंचा रही है। इसी बीच कॉलेज वालों ने 100 पर फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस भैंस को बांधकर कोतवाली ले गई। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई हो, वहां भैंसों को ढूंढने में ऐसी चुस्ती आम आदमी के साथ मजाक है। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि ये भैंस किसी वीवीआईपी की नहीं है और कानून के लंबे हाथ होने के कारण अभी तक स्थानीय कोतवाली में ही बंधी हुई है।